जय माँ कात्यायनी। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, क्या कहती हैं हाथों की रेखाएं। और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना मित्र आचार्य प्रमोद मिश्रा। एक नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, जो कि ये विषय हमारा बताएगा आपको कि आप अगर प्रेम विवाह करते हैं तो क्या प्रेम विवाह के बाद का जीवन आपका सुखी रहेगा या जीवन संघर्षमय रहेगा, आप परेशान रहेंगे, ये कैसे जाने। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रगाढ़ विषय होता है, एक बहुत बड़ा गुप्त विषय है, जिसके माध्यम से आपने, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइप नहीं है, जन्मपत्री नहीं बनी हुई है, ग्रह गोचर की जानकारी पूरी नहीं है, तो आप अपने हस्तरेखा के माध्यम से ये समझ लेंगे, जान जाएंगे कि आपका विवाह के बाद यानी प्रेम विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा। तो अब समय, कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञान प्रदान करना, इसलिए आप ध्यान दें। विवाह की रेखाएं, अक्सर हमने आपको बताई ही पहले भी कि ये रेखाएं होती हैं। अब इस रेखा में, विवाह की रेखा में, अगर हृदय रेखा से ऊपरी का भाग जो भी विवाह रेखा है नज़दीक है, साथ में नज़दीक होते के बाद वो रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई है, उसने नीचे का अंग ले रखा, नीचे ज़्यादा फैली हुई है, इस स्थिति में निश्चित है कि आप प्रेम विवाह करेंगे। अब दूसरी बात, जीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, तो ये देखना होगा कि ये क्या रेखा क्लियर है, रेखा में कितनी सफाई है। दूसरी बात, उस रेखा से कोई रेखा और तो नहीं निकल रही, कोई तिरछी रेखा, कोई टेढ़ी रेखा कोई निकल रही है, अगर निकल रही है तो ये दर्शाती है कि आपका प्रेम विवाह के बाद का जीवन संघर्षमय रहने वाला है। अगर इस रेखा में सफाई है, इस रेखा में कोई रेखा नहीं निकल रही है, तो आपका जीवन प्रेम विवाह के बाद बहुत सुखमय रहने वाला है। आप पति पत्नी मिलकर के एक नई दुनिया रचेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे और आपका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होगा। तो मित्रों, आज के इस विषय में सिर्फ इतना ही ज्ञान आपको दे पाऊंगा। अगर विस्तारित जानकारी आपको लेनी है विषय में, तो आप अपने हस्तरेखा का प्रिंट आप में भेज सकते हैं, अपने हाथ को दिखा सकते हैं। तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आप मुझे दीजिए आज्ञा। मैं अगले विषय में आपसे और नए विषयों के साथ मिलूंगा। नमस्कार।